हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी चिकना में। तो आज बात करेंगे ऑप्टिक्स का, जो हमारी सीरीज चल रही थी, लेक्चर नंबर 11। आर्टिकल आपके पास, पोलराइजेशन क्या होता है और डबल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये आपके सामने डिस्कस करेंगे। आप अपने हेडिंग डालिए, पॉइंट डालिए। आपने अपना हेडिंग डाल लिया होगा पोलराइजेशन का और आपने डबल रिफ्रैक्शन का, तो इसके बारे में आज स्टडी करेंगे। जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे आपको जो बेल आइकन वाला बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की हर अपडेट आप तक तुरंत ऑटोमेटिक पहुंच सके। तो चलते हैं, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। कुछ ही मिनटों के माध्यम से आपने अपने पेपर के अंदर क्या कुछ लिख के आना है, कैसे लिख के आना है, वो आपके सामने स्टेप वाइज चर्चा होगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बात आती है पोलराइजेशन क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन होती है, द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ ए वेव इन ए पर्टिकुलर प्लेन। दिस टर्म या दिस फिनोमिना इज नोन एज ए पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन ये होता है जो आपके पास रिफ्लेक्टिंग होता है, किसमें? वाइब्रेशन के अंदर। वाइब्रेशन के अंदर कब? जब आपके पास पर्टिकुलर प्लेन है, वो वेव की तरह क्या कर रहा है, मोशन में आ रहा है। तो ये आपके पास क्या होता है? पोलराइजेशन होता है। आप इसकी डेफिनेशन नोट करें, पोज करें। अब बात करते हैं इससे आगे, डबल रिफ्लेक्शन क्या होता है। डबल मतलब दो, जिसमें आपके पास दो रे आए, एक आपके पास ई रे आएगी, एक आपके पास ओ रे आएगी। अब इसके अंदर आपके पास सबसे पहले आप डायग्राम देखें। डायग्राम में आपके पास यहाँ पे अनपोलराइज लाइट है, ये क्या है? क्वार्ट्ज ग्लास है। क्वार्ट्ज ग्लास में ये एंगल कितना है? 71 डिग्री का है। ये वाला एंगल जो ऑप्टिक एक्सिस इसमें से गुजर रही है, ये वाला 109 का है। जब आपके पास यहाँ से रे जा रही है अनपोलराइज लाइट, तो यहाँ पे जैसे ऑप्टिक एक्सिस यहाँ पे टकराएगी, तो यहाँ पे दो भागों में क्या होगी? डिवाइड होगी। तो दो भागों में डिवाइड होगी, तो एक आपके पास ऐसे जाएगी और एक आपके पास सीधी जाएगी, जिसको आपने नाम दे दिया ओ रे, एक को नाम दे दिया ई रे। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या कुछ हो रहा है, उसके बारे में आपने यहाँ पे लिखना है, डबल रिफ्लेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले डायग्राम को नोट कर लें। तो इसके अंदर लिखेंगे, व्हेन ए बीम ऑफ ऑर्डिनरी पोलराइज्ड लाइट, जब आपके पास ऑर्डिनरी पोलराइज्ड की लाइट है, थ्रो ए क्वार्ट्ज क्रिस्टल, क्वार्ट्ज क्रिस्टल में से पास होती है, देन द कैटलाइट शो इनटू द टू रिफ्लेक्टेड रे। तो आपके सामने दो रिफ्लेक्टेड रे बनती है, ई रे और ओ रे। इस फिनोमिना को आप क्या बोलते हैं? डबल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो आपके पास इसमें क्या हो रहा है, व्हेन ए रे ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट पास होती है डबल रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टलाइन लाइक ए क्वार्ट्ज ग्लास स्पेल्टिंग इनटू द ओ रे एंड ई रे। तो ये आपके सामने डबल रिफ्लेक्शन के बारे में, नोट कर लें, पोज कर लें। तो आज की इस वीडियो में आपके सामने कुछ ही मिनटों के माध्यम से हमने पोलराइजेशन के बारे में बता दिया और डबल रिफ्लेक्शन के बारे में बता दिया। आपका काफी टाइम नहीं लेंगे। तो दोस्तों, आपके सामने प्रिय विद्यार्थियों, पोलराइजेशन के बारे में और डबल रिफ्लेक्शन के बारे में, इसमें से एक टॉपिक आपका आएगा जरूर, तो आपने ऐसे लिखना है। आप ये नोट कर लें और अपना स्क्रीनशॉट यहां से ले लें। तो जो चैनल पे हमारे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे जो आपको बेल आइकन वाला बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की आने वाले जो भी अपडेट है, जैसे मैं यहाँ पे डालू आपके पास चैनल पे, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपकी तरफ में आ जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए।
आज के लिए आपके लिए इतना ही।